अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। तो जी, आज व्लॉग का जो आगाज़ है ना, वो हमने सुबह सुबह ही शुरू कर दिया था। और बच्चे जो है ना, अभी पीछे पाँ कर रहे हैं। रज़ैनी जो है ना, वो जो बिल्कुल भी जो है ना, वो वीडियो एडिट नहीं करने दे रही है। तो मैं बड़ी मुश्किलों से जो है ना, इससे छुप के बैठी हुई थी अंदर। तो बस यहाँ पर जो है ना, किचन वगैरह मैंने समेट लिया था सारा। तो आज मैंने ना किचन में थोड़ा सा, मेरे पास ना वो रखा हुआ था पुराने, मेरे पास ना कुछ शीट्स पड़ी हुई थी, कुछ वॉलपेपर टाइप ना पड़े हुए थे, मैंने बहुत पहले मंगवाए थे, ऑर्डर किए थे। तो मैं सोच रही थी आज ना अपने किचन में थोड़ा सा ना, ये जो टाइल्स है ना सामने, वहाँ पे ना इसको लगा के देखती हूँ कि कैसा लगता है ना। क्योंकि डार्क है ना मेरा मार्बल भी, ज़रा ब्लैक कलर का है और टाइलें भी थोड़ी डार्क कलर की हैं, तो वो सब कुछ डार्क डार्क हो जाता है। तो वीडियो में जो है ना, वो इतना अच्छा वो क्या कहते हैं उसको, ब्राइट नहीं नज़र आता, तो लाइट कम लग रही होती है। तो इसलिए मैंने सोचा था ये वाली जो शीट है ना, ये यहाँ पे मैं लगा के देखती हूँ कैसी लगती हैं। तो अगर तो मतलब काम कर गई तो फिर तो ठीक है। मतलब यहाँ पे मेरे पास 3-4 शीट पड़ी हुई थी, तो ये जो है ना, मैंने कहा सामने लगा लेती हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा, ब्राइट ब्राइट सा लगेगा, थोड़ा चेंज हो जाएगी ना, थोड़ी लुक चेंज हो जाएगी, तो अच्छा लगेगा वीडियो में। तो बस मैं यहाँ ही राफिया के साथ मिल के ना, तो मैं इसको कोशिश कर रही थी कि इसको खोलने की। और ये बड़ा बहुत मुश्किलों से ना ये खुलता है, ये कुछ स्टिकी सा अंदर से होता है और उतारना जो है ना इसको बहुत मुश्किल होता है। तो बड़े आराम आराम से, ध्यान से इसको उतारना पड़ता है, ताकि ना ये इसका जो पेपर है ना, ये भी ना फट जाए और बड़े आराम से लग जाए। तो बस इसी को मैंने कहा चलो लगा के देखती हूँ कैसा लगता है। इतनी जगह पे मैंने कहा देखती हूँ पूरा आता है, बाकी जो है थोड़ा सा काट के ना, तो इसको साइडों पे ऊपर लगा लूँगी, तो थोड़ा ना कवर हो जाएगा। और आप लोग बताइएगा मुझे कि अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, कमेंट करके ना ज़रूर बताइएगा। तो बस ये देखिए, सामने वाली जो वॉल है ना, इस पर मैंने एक लगाया है, थोड़ा सा पहले तो अच्छा लग रहा है अभी फ़िलहाल। और ये एक जो दूसरा है ना, इसको मैं ऊपर से काट रही थी, क्योंकि इसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा थी, इसलिए इसको जो है ना मैं काट के तो फिर इसको लगाऊंगी, ताकि फिर ये ना आराम से ईजीली लग जाए। तो ये वाली जो है ना चूल्हे के साथ वाली जो, ये है माइक्रोवेव के साथ, यहाँ पर मैंने कहा ये एक शीट यहाँ लग जाएगी, ये देखें इस तरह करके थोड़ा ना, और एक शीट जो है ना वो उस तरफ लग गई थी, कि वो तीन ही मेरे पास ये पड़े हुए थे। तो ये बहुत पहले मैंने कोई साल दो साल पहले मंगवाए थे, लेकिन लगाए नहीं थे, और तो मुझे समझ नहीं आ रही थी मैंने कहाँ इसको यूज़ करूँ। लेके तो मैं किचन के लिए आई थी, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड कह रहे थे ना लगाओ, क्योंकि चूल्हा चूल्हे वाली जगह पे हो ना, ये इतना फ़ायदार नहीं होते हैं ना। देखने में तो अभी प्यारा लग रहा है, लेकिन यह है कि हीट वगैरह पड़ेगी, तो पता नहीं इसका ना, शायद हो सकता है ये लॉन्ग लास्टिंग ना हो, ये वक्ती तौर पे जो है ना आप इसको कर सकते हो, लगा लो तो ठीक है। अभी दिखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, अभी नया नया जो है देखने में तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, आंखों को ऐसे जो है ना रोशन रोशन सा लग रहा था। तो बस फिर मैंने कहा चलो अब थोड़ा सा तो जो है ना, थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, वही देख देख के ना बंदा बोर हो जाता है। बस फिर मैंने जो है ना, अब मैंने कहा खाना भी बनाना है दोपहर में, तो रूम में लग के आए जल्दी से। तो बस यहाँ मैं कुकर में बनाऊंगी दाल, तो मूंग मसूर की दाल बना रही हूँ मैं। थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल डाला है कुकर में, और मैं लहसुन और अदरक टमाटर हरी मिर्चें इसमें डाल के ना जो है इसको मसाला भून के, तो इसको मैं, तो वो क्या कहते हैं प्याज वगैरह मैंने इसमें डालती। दूसरी साइड पर जो है ना, वो मैं चावल भी साथ ही बना लूँगी, तो चावल भी मैं जो है ना थोड़े तड़के वाले बनाती हूँ ऐसे, प्याज और जीरे का तड़का लगा के ना, तो वो जो है घर वाले शौक से खा लेते हैं, बिल्कुल वाइट चावल जो होते हैं वो पसंद नहीं करते। तो बस यहाँ पे मैं जो है ना, अब मैंने दो टमाटर काट लिए थे, साथ में थोड़ा सा लहसुन और अदरक जो फ्रेश कूटा हुआ जो हो ना, उसके ज़रा ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। तो साथ में बोटी वाली जो थी, 2-3 हरी मिर्ची वो मैंने इसके अंदर डाल दी थी, साथ में धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च, नमक जो है ना ये अपने टेस्ट के हिसाब से जो है वो डाल के इसको मसाला, थोड़ा सा पानी डाल के मैं अच्छे से ना इसको भून लूँगी, ताकि जो है ना स्मूथ सा बन जाए। तो बस ये मसाला भुनेगा, दूसरी तरफ जो है ना ये मेरे प्याज भी ब्राउन हो रहे हैं हल्के हल्के, तो बस इसको मैं जो है लाइट ब्राउन करके इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डालूँगी, ज़ीरा डाल के तो उसमें पानी डाल के, तो वो जो है ना हमारे तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी मसाला जो है ना वो भुन रहा है,
उसके अंदर मैंने ना दाल डाल दी है, दाल डाल के पानी डाल दिया है, और थोड़ी सी मैं ना चिकन वाली कनोर क्यूब जो होती है वो मैं इसमें ज़रूर डालती हूँ, तो उसके थोड़ा सा ना अच्छा फ्लेवर आता है। तो जब कुछ किसी दिन कुछ समझ ना आ रहा हो तो फिर मैं जल्दी जल्दी ना दाल यही बना लेती हूँ, और साथ में चावल बना लूँ तो बड़ी जल्दी खाना आपका ना रेडी हो जाता है। तो इसके ऊपर वेट लगा दूँगी 5 मिनट 10 मिनट के लिए, जो है ना वो मुलायम सी हमारी दाल जो है वो हो जाएगी। दोनों चीज़ें मैं एक साथ ही रख लेती हूँ ताकि मैं काम जल्दी हो जाए, साथ ही चावल भी बन जाते हैं साथ ही जो है ना वो दाल भी बन जाती है। तो इसके अंदर मैंने हरी मिर्ची भी डाली थी, नमक डाल दिया था चावलों में ना, और बॉयल आया तो बस मैं इसमें चावल डाल दूँगी, और चावल डाल के जो है वो हल्की आंच पे छोड़ देंगे तो हमारा जो है ना चावल भी अच्छे से हो जाएंगे। आप लोग बताइए कि आप लोग कैसे बनाते हो दाल। अच्छा, दाल भी जो है वो बहुत तरीक़ों से बनती है। लोग पहले जो है वो सिर्फ दाल गला लेते हैं टमाटर वगैरह डाल के, और लास्ट में तड़का लगाते हैं लहसुन का, लेकिन हमारे घर में जो है ना वो तड़का ऊपर से जो है लहसुन वगैरह का तड़का बिल्कुल पसंद नहीं करते ना, तो मैं फिर इस तरह भून के बनाती हूँ जैसे इनको अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने कहा कबाब भी थोड़े से साथ में बना लेती हूँ, शामी कबाब जो है ना 3-4 बना लूँगी, और वो भी अच्छे लगते हैं दाल चावल के साथ, साथ सलाद हो जाएगा तो बड़ा अच्छा सा जो हमारा मील है दोपहर का ना रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जो है अंडा वगैरह लगा के शामी कबाब जो है मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही बना के रखे थे, क्योंकि राफिया को जो है वो मैंने लंच में देती हूँ, तो ये ना हो तो फिर बड़ी मुश्किल होती है, सुबह लंच में समझ नहीं आ रही होती। इसका ये है कि बना के रखे हुए हो ना तो सुबह बच्चों को ना जल्दी से निकाला, फ्राई किया और सैंडविच बना के ना इसको दे दिया। यस जी जी बोले कौन आए? बस यहाँ पे जो है मैं अपने लिए खाना डाल रही थी, तो मैंने जो नमाज वगैरह पढ़ के ना आराम से मैं तसल्ली से बैठ के खाती हूँ, ताकि जो है चावल वगैरह लेके सुकून से रिलैक्स होके ना खाना खाती हूँ। फिर ये ना खाना जैसे ही खाओ ना तो फिर आपको ना नींद आनी शुरू हो जाती है, फिर नमाज वगैरह नहीं पढ़ी जाती, तो इसलिए नमाज वगैरह जो काम करने वाले होते हैं वो मैं पहले कर लेती हूँ। ये पकड़ो, आओ इस पे डाल के दो, मुझे दो राइस डाल के देती हूँ आपको, पकड़ो ये लो। खाई भी है। क्या हुआ बा? अभी प्लेट तो खाई भी है। तो क्या हो गया? नहीं मुझे भी दे दो। क्या एक चम्मच? लेकिन सलाद ये बंद गोभी ज्यादा है। गोभी है ना ये ज्यादा डाल। कबाब बंद गोभी बस। मुँह खोलो। कैसे लगा? बस ये खाना शाना खाया, फिर थोड़ा सा मैंने आराम किया, रेस्ट किया, उसके बाद जो है फिर मैंने कहा चलो चीज़ें समेट के मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा ना, तो सालन कई दफ़ा अगर बाहर पड़ा रह जाए ना तो थोड़ा सा वो उसका ना जायका चेंज हो जाता है, तो इसलिए गर्मियों में तो यही कोशिश करनी चाहिए कि बना के घंटा थोड़ा ठंडा हो जाए ना तो उसको डाल के तो फ्रिज में रखते हैं, तो ये कि फिर ख़राब नहीं होता। अच्छा, बर्तन तो इतने नहीं थे, बस ये 2-4 ही थोड़े से थे और पतीले वगैरह थे, तो मैंने कहा समेट देती हूँ क्योंकि फिर शाम को जो है हमने बाहर भी जाना है, तो इसलिए फिर टाइम नहीं मिलेगा, तो किचन जो है साफ़ सूफ करके तो फिर हम तैयारी वगैरह करेंगे। तो यहाँ पर बस 1-2 चावल और ये पतीले 1-2 ही थे, तो मैंने कहा ये भी चलो धुल जाएंगे तो किचन साफ़ सुथरा सा लगेगा। तो
अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना कुछ कपड़े मैं जो रोज़ हमारे जो चेंज करते हैं हम बच्चों के कितने उतरते हैं रोज़, क्योंकि गर्मी है ज़ाहिर बात है रोज़ कपड़े बदलते हैं और पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो ये कि कपड़े ना बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं, तो इस वजह से मैं साथ साथ जो है ना वो जो रोज़ पहनने वाले होते हैं ना, तो साथ साथ मैं बच्चों के हाथ से ही धो के ना तो मल के खड़े कर देती हूँ ताकि फिर मुश्किल नहीं होती, क्योंकि जब फिर हफ्ते बाद मशीन लगती है ना तो फिर वो इतना रश नहीं हो जाता। तो बस यहाँ पे मैंने कहा चलो अपने कपड़े निकाल के प्रेस कर लेती हूँ, तो आज मैंने ये वाला सूट निकाला है, ये भी मैंने मेरा ख्याल है छोटी ईद पे मैंने बनाया था, नहीं मेरा ख्याल है बड़ी ईद पे, हाँ बड़ी ईद पे मैंने ना तो ये दो सूट बनाए थे। तो ये मैं बहुत कम कम कपड़े घर में पहनती हूँ क्योंकि आने जाने में जो है ना मैं ज़्यादा रखे होते हैं, तो ये बस मैंने कहा चलो काफ़ी टाइम से मैंने ये वाला नहीं सूट पहना तो मैं ये निकाल के ना ये प्रेस कर लेती हूँ, वैसे तो अब आया ही ऊपर आ जाता है लेकिन क्यों नहीं देखो बिल्कुल नहीं सही बनता ना। चलो चलो बहुत ज़्यादा था जितना, क्योंकि वीकेंड होता है, वीकेंड पे जो है काफ़ी लोग आए हुए होते हैं और बहुत रश होता है, और आपको जो है ना ऊपर जब खाने वगैरह के लिए जाओ तो वहाँ पे आपको ना जगह नहीं मिलती, तो इसलिए हमने कोशिश की थी कि नमाज़ वगैरह पढ़ के ना बच्चों को तैयार करके तो टाइम से निकल जाएंगे, क्योंकि तकरीबन 15 मिनट तो यहाँ से लगते ही हैं हमारे घर से जाते हुए एम्पोरियम ना। तो बस अभी हम रास्ते में जा रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं जाते जाते, अभी तो इस टाइम जो है इतना रश नहीं था सड़कों पे, सड़कें खाली ही थीं और बड़ी आराम से जो है ना टाइम से हम लोग पहुँच गए थे। वापसी भी जब आप लोग आते हो ना रात में तो तब बहुत ज़्यादा रश होता है। खैर तो खैर बस हम यहाँ पे पहुँच गए और यहाँ पे लोग आने शुरू हो गए थे, और क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये टाइम होता है और इस टाइम पर जो है ना रश होना शुरू हो जाता है, ज़रा से देर हो जाओ तो फिर आपको ना जगह ही नहीं मिल रही होती अंदर जाने की। मैं भी देख रहा था क्या ये हुई है ना छोटी सी बेबी की कॉलेज की मशीन है ना, उसके साथ का ये छोटा वाला है ना, सेम वैसी ही है ना राफिया। आज क्या कहते हैं रश बहुत ज़्यादा था क्योंकि वीकेंड था और लोग जो है ना वो बहुत आए हुए थे, फैमिलीज बहुत ज़्यादा आई हुई थी, तो पहले तो हम नीचे वाले फ्लोर में जो है वो थोड़ा घूमते रहे, फिर क्या ऊपर चलते हैं और चलो आ जाओ। मूड खराब है ना बस तो यहाँ पे हमें एक जगह हम पहले बैठे, वहाँ पे बच्चों को नहीं पसंद आया, बच्चे कहते हैं हमने पिज्ज़ा खाना है, तो उनका बर्गर था
फिर हम पिज़्ज़ा के लिए ढूंढते रहे ढूंढते रहे, तो यहाँ हमें अपना एक अच्छी सी जगह मिल गई थी। तो यहाँ बैठने का जो है वो भी बड़ा अच्छा सेटअप था, और ज़्यादा रश नहीं था, ज़्यादा लोग नहीं थे यहाँ पे, बड़ा पुरसकून सा जो है ना इन्वायरमेंट था। तो एक कोने में हमने जो है ना जगह लेके हम बैठ गए, और यहाँ बस अब ऑर्डर देंगे और बच्चे जो हैं आराम से बैठ के जो है अपना इंजॉय करेंगे। बस अब हमारा खाना जो है वो ऑर्डर कर दिया था, और खाना बस अभी आने वाला है। और मैं जो इतना थक गई थी बच्चों के साथ चल चल के जूता भी जो था वो मैं दूसरा खुद सा पहन के गई हुई थी, और खुद से में तो फिर बहुत ज़्यादा जो है ना वो पाँव दर्द करते हैं। तो बस यहाँ पे खाना आ गया था, खाना मज़े का था पिज़्ज़ा, क्योंकि इस दफ़ा बच्चों ने स्पाइसी नहीं मंगवाया था, बच्चों को जो है ना वो स्पाइसी नहीं खाते शौक से। तो ये बड़ा लाइट सा था, ऐसे क्रीमी सा ना कबाब, क्रीमी कबाब स्टफ़ में था कुछ ऐसे। तो बस ये था, बच्चे बहुत खुश हो गए थे, बड़ा मज़ा आया था। इनका पता नहीं क्या नाम था इनके रेस्टोरेंट का, मुझे नाम जेन से निकल गया। तो बड़ा अच्छा था इनका जो है ना इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा था, और इनका खाना फूड बहुत मज़े का था, बहुत अच्छा था, बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया था। बस अब आ गए थे और मेरा दिल कर रहा था अब जो है ना मैं चाय हो, बहुत ज़बरदस्त सी कड़क सी चाय हो। तो यहाँ पर जो है वो मैंने फिर अपने लिए ना चाय ले ली थी, और यहाँ फिर घूमते घूमते यहाँ सफ़ायर पे जो है वो बड़े अच्छे अच्छे प्रिंट्स सर्दियों के लेलन के बड़े प्यारे प्यारे जो है ना प्रिंट्स आए हुए थे। मैंने कहा चलो देख लेते हैं, उसके बाद जो है ऑनलाइन पर ऑर्डर कर लेंगे। तो बस अब यही तक था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।